बाकी मैं राजस्थान में 450 का सिलेंडर दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी वादे पे खरा उतरते हैं, वरना मैं मान जाऊंगा कि वो बाकी में जिस पब्लिक कहती है वो एक्टर और चुनावी जुमले वाले फेंकू इंसान है। आपको 450 में सिलेंडर क्यों चाहिए? आपके पैसे कम हुए हैं। बोला क्यों? मोदी जी कह रहे हैं इसलिए चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी की जुबान पे। अरे मोदी जी कह रहे हैं 450 का सिलेंडर ले लो आप। ये भक्त है, इनके दिमाग में गोबर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनका लॉजिक ऐसा है ना, आपके समझ में लगा मेरे ना इनके घर वालों के। अगर हवा और लहर दोनों थी तो मोदी जी को 21 सांसदों को उतारने की जरूरत क्या पड़ गई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। बस विधायकों को सांसद बनाया गया तो हमने देखा है, पढ़ा भी है, मगर सांसदों को विधायक बनाया गया। 2024 का चुनाव और चुनावों को लेकर गठबंधन कमजोर पड़ा या फिर मजबूत? कांग्रेस के पास मजबूत रणनीति नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार हार जाते, जनाधार नहीं है। कांग्रेस की जीत कहूंगा मैडम। पार्टी एक बार में बिल्कुल जीरो हो गई थी 14 के बाद में, और आज फिर रिवाइव वोट पे है। मैं तो इसे भी जीत मानूंगा, मैं तो सभी भी हाथी मानूंगा। वोट प्रतिशत बढ़ा है जी, 36 से 42 हुआ है, और उनका 43 से 41 हुआ है। 43 से 41 सिर्फ एक राज्य में हुआ है, और अगर देश में देखा जाए तो 14 के अंदर जो उनका वोट प्रतिशत था पूरे देश के अंदर केंद्र के चुनावों के लिए, वो था 48.5%। चुनाव अहम भी है और तमाम जनता की नजरें भी है। 24 में कैसे मात दे पाएंगे आप नरेंद्र मोदी को, जो एक गारंटी, एक छवि बन चुकी है कि मोदी जी को हराना संभव नहीं? मैडम मैं इंश्योरेंस कंपनी वाला, मैं चाय वाला, मैं समोसे वाला, मैं पकोड़े वाला, मैं इतना मल्टी टैलेंटेड आदमी नहीं हूँ जी। जिस जगह जाओ मेरे को यहाँ के देश ने, यहाँ के लोगों ने बुलाया है, यहाँ की मिट्टी मिट्टी ने बुलाया है, यहाँ के पानी ने बुलाया है। जिस गंगा को तुम माँ कहते हो, उस माँ को उसका तुमने हाल क्या कर रखा है? जनता पर खा, जनता को दिल्ली का वोट दिया। कांग्रेस के पास सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने हैं। जनता बार बार बीजेपी को क्यों चुन लेती है अगर विपक्ष की रणनीति मजबूत है? मेरे साथ कुछ युवा साथी जुड़ चुके, उनसे भी चर्चा कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे सर जीत को लेकर? 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखते हैं क्या? देखिए ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए बीजेपी का जो आता है कि विकास, तो कुछ ऐसे काम है जो हुए भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी नहीं भी हुए हैं, तो मैं उन पर कहना चाहूँगा। जैसे आप पूछोगे क्या काम हुए क्या नहीं हुए, तो मैं बताऊँ। देखो बाकी में, देखो मेरे अलीगढ़ से मैं रहने वाला हूँ, अलीगढ़ में बाकी में जैसे एयरपोर्ट बना तो बाकी में अच्छा लगा कि बना और भी तरक्की हुई है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जैसे मैं गाँव के एरिया में अगर जाते हैं हम, तो गाँव के एरिया में देखा जाता है कि सड़कें टूटी हुई हैं, और देखिए अगर बरसात के दिन आते हैं तो इतना पानी हो जाता है कि कीचड़ इतनी जाती घुटने तक। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखो चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी की गलती नहीं गिना रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं बेसिक आप सिटी को देखो, लेकिन उस गांव को भी देखो जिस गांव में वो किसान रहता है जो आपके पेड़ तक अन्न पहुंचाता है। क्योंकि देखिए अगर किसान सुरक्षित नहीं रहेगा, किसान तक विकास नहीं पहुंचेगा, तो फिर ये बताइए फिर किसका है, जिस सरकार फिर किसका भला करेगी, या किसी कोई भी सरकार हो। किसानों ने क्यों बिल पास करने से मना कर दिया फिर? अच्छा। उसमें किसानों का फायदा ही था, किसानों ने उस तरह से सोचा नहीं कि हमारा फायदा हो रहा है। किसानों को लगता है कि वो काले कानून थे, इसीलिए एक साल तक धरना दिया और धरने के बाद मोदी जी ने माफी मांगी। अब क्या लगता है कि किसानों के लिए अब क्या हो रहा है? अब किसानों के लिए सब कुछ तो हो रहा है, अब क्या नहीं हो रहा है किसानों के लिए? योजनाएं गिनवा दीजिए जो किसानों के लिए सीधा लाभ दे रही है। देखो किसान के लिए जा रहा है, आज क्या कहता है किसान, सरकार क्या कहता है, 40 रुपए किलो खरीद रही है गेहूँ, राशन में कितना, 6 रुपए 3 रुपए किलो दे रही है जनता को, दे रही है 10-15 किलो में, हाँ 3 रुपए किलो दे रही है, फ्री, इतना फ्री भी नहीं दे रही है। तुम किसान तो हो नहीं, किसान तो तुम हो नहीं ना, किसान तुम हो नहीं, फ्री दे रही है 3 रुपए, ज्यादा बड़ी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है 3 रुपए की, 3 रुपए और 5 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि किसानों के लिए काम हुआ, 40 रुपए किलो ले रहे हैं। तो मैं भाई पहले आपको ये बता दूं, धान है या गेहूं है, कौन सी फसल है जो कि 40 रुपए किलो ली जा रही है, आप मुझे ये बता दीजिए। क्या नहीं मिल रहा है ये बताइए, तो बताइए आपने कौन सी फसल 40 रुपए किलो ली जा रही है? देखिए धान से ऊपरी भाव में ही खरीदती है, कोई भी सामान खरीदती है तो देखो आपने कहा 40 रुपए किलो, भाई आपने कहा 40 रुपए किलो ले रही है, तो मुझे बता दीजिए। देखिए मेरे एरिया में गेहूं होते हैं, धान होते हैं, मक्का होते हैं, बाजरा होता है, इनमें से एक भी फसल का नाम बता दीजिए जो सरकार 40 रुपए किलो ले रही है। सरकार क्या क्या फ्री में बांट रही है, फ्री में क्या क्या बांट रही है बता दो। अच्छा फ्री में बांट रही है वो देख रहे हो, मतलब आप अच्छे ये बताइए, आप किसान पे बोल रहे हैं, मुझे आप बता सकते हैं भाई, आप जो बता सकते हैं, मैं किसान पे मैं बात करूं, मैं बांटने की गेहूं चावल दाल 5 किलो राशन आप लोगों को मिल जाता है, ये सरकार की उपलब्धि है और इसी पर वोट मिल रहा है। अच्छा मतलब 5 किलो राशन मिल जाता है तो ये बेहतर है। मैम शायद आप खुद खाना बनाती होंगी घर में, तो आप मुझे बता दीजिए, आप एक आदमी को 5 किलो राशन में एक महीना काट सकती हैं, आप खाना बनाती होंगी
काट सकते हैं एक महीने नहीं काट सकते। तो ये बताइए अब एक बंदा एक महीने में खा ही नहीं सकता 5 किलो राशन, फिर उसका क्या फायदा भाई? आप मुझे खुद बता दो 10 सालों में जो वादे हुए उनमें से कितने पूरे हो पाए और कितनी ये सफल रही सरकार? देखिए पिछले 10 साल गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मोदी जी ने कुछ नए वादे करे थे इलेक्शन से पहले कि राजस्थान में हमारी सरकार बनगी 450 का सिलेंडर देंगे, और अभी जो कर रहे थे मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। अगर वो इनको पूरा कर लेंगे, अगर ये वादे पूरे होते हैं बाकी में राजस्थान में 450 का सिलेंडर दे देंगे, तो मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी वादे पे खरा उतरते हैं, वरना मैं मान जाऊंगा कि वो बाकी में जिस पब्लिक कहती है वो एक्टर और चुनावी जुमले वाले फेंकू इंसान है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो फेंकू, अभी नहीं कह रहा हूँ, अगर वो वादे पूरे करते हैं। तो मैं वादे करते आ रही थी सरकार आज से पहले 70 सालों से भी बहुत सारे वादे कर रही थी सरकार आज से पहले 70 साल। आपको आपको 450 में सिलेंडर क्यों चाहिए? आपके पैसे कम हुए हैं, पैसे तो बढ़ गए, पैसे तो बढ़ गए, पैसे तो बढ़ गए। बोला क्यों? बोला क्यों? पैसे बोला क्यों? मोदी जी कह रहे हैं इसलिए चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी की जुबान पे। अरे मोदी जी कह रहे हैं 450 का सिलेंडर ले लो आप। राजस्थान में तो वादा हुआ, अपने अपने आप को मैं तो कहता हूँ अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि 450 की जरूरत ना पड़े। केवल बताए सक्षम बनाइए, देखिए वादा क्यों करके लाए राजस्थान के अंदर की 450 का सिलेंडर। अगर सिलेंडर अभी 1100 का बोले सर, वादे तो चुपले होते हैं जी। एक मिनट जी, अगर मैं सक्षम हूँ अभी गवर्नमेंट 1100 का सिलेंडर दे रही है तो क्या मैं 2200 का ले लूँ अंकल जी? 2200 का ले लूँ अगर मैं सक्षम हूँ तो 2200 का ले लूँ। सरकार जब दिल्ली में आके 900 का भेज दो, सरकार ये कर दो, तुम ये पैसे कमा लो। ये भक्त है, इनके दिमाग में गोबर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनका लॉजिक ऐसा है, इनका लॉजिक ऐसा है ना, आपके समझ में लगा मेरे ना इनके घर वालों के, इनका लॉजिक ऐसा है कि हमारे सिलेंडर लेके आओ और यहाँ लाके बेचो। मैं क्या लॉजिक दे रहा हूँ अंकल जी, आप बताओ। बीजेपी के कौन कौन से लॉजिक आपको समझ में आ रहे हैं और जनता बार बार बीजेपी को क्यों चुन रही है? अभी तक तो कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आया, अभी तक तो नहीं। जब इन चुनाव में इतनी तगड़ी हवा थी तो 21 सांसदों को उतारने की क्या जरूरत पड़ गई? सारा घोटाला है, सारी सेटिंग है और कुछ नहीं इसके अलावा। बीजेपी की रणनीति है भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर मैम हवा थी, अगर हवा थी, लहर थी, अगर हवा और लहर दोनों थी तो मोदी जी को 21 सांसदों को उतारने की जरूरत क्या पड़ गई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बस क्या मतलब है बताओ मुझे आप। बस अब इस्तीफा भी ले लिया गया, भी ले लिया गया, बताओ मजे की बात। नीति है कहते हैं भैया, मोदी की नीति है, नीति है, नियत और नेता है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सांसद को विधायक बनाया गया हो, विधायकों को सांसद बनाया गया, तो हमने देखा है, पढ़ा भी है, मगर सांसदों को विधायक बनाया गया जो हाथ जोड़ के कह रहा हमारे बस की तो नहीं है, उनको बना दिया गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा मेरे, अगर हवा थी तो ऐसा क्यों हुआ फिर? राहुल गांधी भी गए, राहुल गांधी तमाम राज्यों में गए चुनावी वादे किए, आखिर जनता ने राहुल जी को छोड़कर मोदी जी पर विश्वास क्यों किया? मोदी जी के झांसे में जनता आ गई, मोदी की नहीं है मैडम, मोदी जी के झांसे में जैसे लोग 2014 में आ गए थे वैसे इन राज्यों में लोग झांसे में आ गए, झांसे में आ गए, बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया जनता, बिल्कुल पागल हो गई है। नहीं बीजेपी 70 साल पहले जो कांग्रेस के घर चल रहे थे तब उससे पहले नहीं पता चल रहा था किसी को है? और अभी अभी एक मिनट सर, सर सर एक मिनट, एक मैम मैम इनका कहना है अभी राजस्थान में अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बीजेपी से दिक्कत है। जिसको ये आतंकवादी कह रहे हैं आधे तो कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए, वो जिनको ये आतंकवादी कह रहे हैं कि जिन अच्छा गई उनकी अकल ठिकाने पा गई, उनको लग रहा है कि अब भाई हमारा बसपा पास नहीं 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 होने वाला है बीजेपी की लो है। नहीं अभी भाई साहब कोई कह रहे थे कि वॉशिंग मशीन में कर रहे थे कन्हैया कन्हैया वाली बात कह रहे थे, अभी भाई साहब कोई कह रहे थे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, क्या बोलो धुल गए और क्या मिट गए और क्या अच्छे हो गए।